हमारी जो स्टोरी है वो लव के ऊपर है। आप देख सकते हैं इधर मत देखना, पहले तो हम टीम नंबर 5 से आप देख सकते हैं हमने मेंशन कर रखा है टीम नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चा जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे बेसिकली बच्चे पढ़ते नहीं है लेकिन बहुत सारे पढ़ते हैं। ये देखो इसमें ट्राई कर रहा है ड्राइंग बनाने की, उसकी मम्मी ने देखा कि वो ड्राइंग नहीं बना पा रहा, तो तुरंत मम्मी उसे देख के उसके पास पहुंची जो फोटो प्लैंक आई है, ठीक है। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो दिख जाएगा कि मम्मी उसको गोद में लेके बनाने की उसे ट्राई करवा रही है कि आप ड्राइंग करो, ठीक है। जो कि हरमा करती है कि बच्चा अगर किसी चीज में पीछे रहता है तो उसे आगे ले जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी ने उसे गोद में बिठाया, नाराज हो गया बच्चा कि मुझे खुद नहीं करने दे रही, ठीक है। फिर उसके बाद प्यार चल रहा है माता माँ बेटे में, फिर उसके बाद लड़ाई प्यार, उसके बाद बच्चा सीख गया अकेले चल रहा है, बच्चा सीख गया। सर ध्यान से देखो ना सर। और फिर ये हमारी टीम फोटो है, टीम फोटो हिला हिला के सारी फोटो निकाल रही थी, हमने एक साथ काम किया। थैंक यू। मुझे जाने ना पहले। अरे यार आ रहा हूँ, आपने बुलाया थोड़ा टेढ़ आए बस बेटा, आप थोड़ा सब कर लो, ऊपर कर लो, ऊपर कर लो, ऊपर कर लो, ऊपर पीछे रेडी अरे हाँ मैम हो गया। अच्छा सब लोग इधर देख लो भाई मेरे कैमरे में एक बार, इनको प्लीज अपनी सांस रोक लीजिए, प्लीज पेट अंदर सांस खींच के और बोलेंगे पनीर पनीर, आवाज नहीं आती फोटो में। ओके हो गया, अभी इधर देखिए आजकल इमली बोलना पड़ता है, इमली सितारा ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने थप्पड़ मार के बिठाया हो। लवली पिक्चर दूर जा रहा है कैमरा। थोड़ा पीछे हो जाइए सब, पीछे हो जाओ भाई सब, थोड़ा पीछे आशे के लिए जगह दे दो मैम आप भी प्लीज। बड़ा सुर में था तो नोनी जी रूही बुलाएं मैम, आई थिंक यहीं पे बुलाते हैं, लेकिन होप बिलेट का पर्पस बच्चे हैं और बच्चों के लिए हम नेशन वाइड कुछ वर्ल्ड वाइड एक्चुअली कुछ भी कर सके हम जाके करते हैं। तो यही नहीं है कि हम कैंसर से जुड़े हैं, हम ओरल केयर से जुड़े हैं, हम मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के बेस पे, तो हम एजुकेशन से जुड़े हैं और बेसिकली हमारा एम एजुकेटिंग ही रहा है। और किसी भी सोशल कॉज के हम जुड़ जाते हैं तो वी ऑलवेज से कि होप बिलेट इज़ फॉर किड्स एंड वॉट एवर वी कैन डू वी विल डू फॉर किड्स। यंगस्टर्स के बड़े बड़े एम्बिशंस होते हैं, उनको एक एस्पिरेशंस होती हैं कि भाई
हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने ये कैसे चूज किया? वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ. मेरा रेगुलर जॉब एक्चुअली नेटवर्क इंजीनियरिंग में है. आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर और मैं डे जॉब करती हूँ. होबीलेट मेरा लाइफ पर्पस है, एक पैशन है जो मेरे साथ मेरे दोस्तों ने जुड़कर किया है. और यही मैसेज मैं देती हूँ कि ये नहीं है कि हम रेगुलर जॉब करें तो एनजीओ इज़ अ डिफरेंट लाइन. अगर आप एनजीओ को जॉब ना बनाएं तो वो एनजीओ के लिए बेहतर है. आप पैसे कहीं और से कमाएं, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप रेंट की फिक्र नहीं करेंगे, खाने की नहीं, वो कहीं और से आता है. और एनजीओ में जो भी आपके पास आता है वो हमेशा आपके कॉस्ट को जाएगा. मैंने देखा है कि एनजीओ का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ इसलिए जाता है कि वो उसी को अपना जॉब बना लेते हैं, उसको अपना पैशन रखें, जॉब ना बनाएं. स्टार्टिंग में ऐसे काम शुरू करने से पहले लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, स्टुपिडिटी है, ये किस चीज़ में फंस गए हो, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब हमें डांटते हैं. आपको कुछ ऐसा मतलब आप फेस करना पड़ा या लोगों से कुछ नेगेटिव कमेंट्स आपको फेस करने पड़े? तो नेगेटिविटी ऐसा होता है कि जैसे आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, लाइक व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, जब मैं इंडिया में थी तो मैं बच्चों के साथ कहीं भी घुस के काम कर सकती थी, जब मैं अमेरिका गई तो वो आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस पूछते हैं. और जब आप इंजीनियर होते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि हाउ विल यू टीच किड्स, यू आर नॉट अ टीचर. तो मैंने टैगलाइन ही उस नेगेटिविटी को बना दिया कि आई टीच बेटर बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, आई डू ओरल केयर बेटर बिकॉज आई एम नॉट अ डेंटिस्ट, एंड आई मेक मूवीज बेटर बिकॉज आई डोंट मेक मूवीज फॉर अ लिविंग. इंडिया से भी कंसर्न होने वाले हैं थोड़े टाइम में, कहते हैं कोलैबोरेशन होने वाला है इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन कैनकिड से, तो उसके बारे में क्या लगता है, पर्पस क्या होगा इस कोलैबोरेशन का? तो हमने मैं वॉलंटियर करती थी डिफरेंट बच्चों के साथ, तो मेरी एक फ्रेंड मुझे सेंट जूड ले गई थी अमेरिका में, जो एक कैंसर हॉस्पिटल है. तो वहाँ पे एक बच्चे के साथ मैं काम कर रही थी और वो गुजर गया 2 साल में, और उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई ज़िंदगी में. और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में हम सीखना भूल जाते हैं. और इनफैक्ट मेरा जो बैनर है वॉइसेस अनहर्ड, वो ऐसा चाहता है कि बच्चों की आवाज़ें ऊपर करें. यानी कि जैसे गॉट कैंसर एक सिंपल मूवी बनाई, तो वो बोले ये कैसा नाम है गॉट कैंसर. मैंने कहा जब उनको कैंसर है तो दे गॉट कैंसर. तो मतलब हम सिंपल चीज़ें बनाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत सिंपल रहते हैं. तो उस बच्चे के ऊपर ये स्टोरी बनाई और 3 महीने में इतना पैसा हमारे पास आया, तो हमने सोचा यार हम मूवी मेकिंग में नहीं है, क्या करें. ओके तो मैम गॉड कैंसर ऑर्गेनाइजेशन, गॉड कैंसर एक मूवी है, मैंने सुना है लेस वेगास में इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इसको वर्ल्ड वाइड मिले हैं. पोर्चुगल में इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, शिकागो में, लॉस एंजलिस में मल्टीपल स्क्रीनिंग्स, वेगास में बेस्ट ह्यूमन इंटरेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल टेलीविजन पे 3 महीने के अंदर आ चुकी है. ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होने के लिए क्या इमोशनली पर्सन को मतलब सोचना पड़ता है, इमोशनली ज्यादा अपने आप को वैसा बिहेवियर शो करना पड़ता है, या आप हर टाइप के पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं? तो आप देखेंगे मेरी टीम्स बहुत छोटी रहती हैं. आई बिलीव कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं. भीड़भाड़ जमा करने में कोई इंटरेस्ट ना रखें. इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि अगर होप बिलेट आपसे आपको लगता है दूर है, तो अपने मोहल्ले में किसी से कनेक्ट कीजिए. इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस. किसी मोहल्ले के इंसान के साथ ही आप रहेंगे ना, वही होप बिलेट का मैसेज है. अच्छा, आप ऐसे बच्चों से घिरे रहते हैं एक तरह से, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिन्हें फील होता है आई एम अबाउट टू डाई या आई एम सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिसीज, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग मुझे कुछ बताइए. ये एक पर्सनल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इसके रिगार्डिंग. तो जैसे कि हम अफ्रीका गए तो वहाँ पे पानी की कमी है, मतलब लिटरली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रॉब्लम रहती है. कैंसर एक बीमारी है जो कि अब फ्लू की तरह हो गई है. तो बच्चे को जब कैंसर होता है ना, तो वो किसी एडल्ट से बेटर एक्चुअली उसको हैंडल करता है, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती. तो जो फियर फैक्टर है वो कम रहता है. तो जैसे कैंसर की बीमारी है वो हमें सिखा रहे हैं कि फियर ना करें. इट इज़ मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जी जी जी, मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने कहा. तो बच्चे इसे किस टाइप से लेते हैं, बड़ों से क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जैसे हम म्यूज़िक डांस वर्कशॉप्स हम क्यों करते हैं, हम ओरल केयर को भी एक ट्विस्ट देते हैं ताकि बच्चों को मज़ा आए. बच्चे क्या होते हैं, उनको भूलना आसान है. एडल्ट लोग घुसे रहते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं. बच्चों को भुलाने के लिए आप म्यूज़िक दें, डांस दें, तो आपको लगेगा नहीं कि इन बच्चों को कैंसर है. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मतलब बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या होता है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए. एब्सोल्युटली, जो भी गॉड कैंसर से हमें पैसा मिला उसका हमने एक 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 सेंट वापस दे दिया. सेंट बोल रहे हैं कि अमेरिका में हमने कमाया ये जी. तो एक एक पैसा हमने वापस बच्चों के एजुकेशन में, जैसे हमने कैनकिड्स को बोला है उनके एजुकेशन के लिए हम दे रहे हैं. हमने ऑलमोस्ट 100 एजुकेशन अवार्ड्स का दिया है पैसा जो देना चाह रहे हैं, और पैलियाटिव केयर में भी हम सपोर्ट देना चाह रहे हैं. तो एजुकेशन हमारा फोकस रहेगा इनके लिए, क्योंकि कैंसर के बच्चे रेगुलर सर्वाइवर्स हैं, जैसे ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है. तो उस पर हमारा फोकस है कि वो सेल्फ सस्टेन रहें. मैम, रूरल एरियाज में भी आप लोग जाते रहते हैं, पेरेंट्स इन चीज़ों को किस तरह
तरह से लेते हैं, अगर बच्चे को कैंसर है क्या फील होता है उन्हें कि मतलब इस बच्चे से तो एक तरह से कहते हैं हाथ धो बैठेंगे हम लोग, ये तो हमारी जिंदगी से दूर चला जाएगा, तो वो उसके प्रति ज्यादा प्यार वात्सल्य वगैरह वो लुटाते हैं अपना, या ऐसा लगता है उनको फील होता है कि थोड़ा सा कहते हैं गेट रिड ऑफ एनी सिचुएशन, पीछा छुड़ाने वाला उनका फील होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पे जो सर्वाइवर्स हैं उनकी हमने जब स्टोरी सुनी तो मतलब वो स्टोरीज रियली सुनाने लायक है, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे सुनने को मिली, क्योंकि कुछ पेरेंट्स तो ऐसे थे जो डर गए कि अब बच्चा हाथ से गया और चार और बच्चे हैं तो इस बच्चे पे ध्यान कैसे दें, तो ये मैं चाहती हूँ कि सब समझे कि कैंसर भी जैसे फीवर हो जाता है बच्चे को कुछ छोड़ता नहीं है, अब कैंसर भी वैसा है, बहुत सपोर्ट है शहरों में, आप जाएँ वो बच्चे को सपोर्ट मिल जाएगा और आगे जाके मैंने देखा है वो एजुकेशन वगैरह में उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो बस पेरेंट्स से यही दरखास्त है कि वो छोड़े ना हाथ, या भी किसी भी नेबरहुड में कोई बच्चा है जिसको कैंसर है उसका हाथ ना छोड़े, उसके हाथ को आप पकड़ेंगे ना तो आगे जाके आपको ज़्यादा हिम्मत मिलेगी उसे नहीं। बॉलीवुड में मैम ये कैंसर बहुत फैलता जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेसेस को हम देख पाते हैं कि ये डिसीज हो गया है, ऐसा आपको क्या लगता है क्या रीजन है? एनवायरनमेंट मतलब हमने डिस्ट्रॉय किया हमारी वजह से, या कुछ ऐसे स्पेशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंसर स्प्रेड हो रहा है एनवायरनमेंट? आप सोचें तो कैंसर क्यों स्प्रेड हो रहा है, ये इसके लिए साइंटिफिक रीज़न बहुत कम है हमारे पास, इफ़ यू गो इनटू मेडिकल रिसर्च देर इज़ वेरी लिटिल एविडेंस कि कैंसर क्यों हो रहा है और बढ़ क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जीना छोड़ दिया है, तो वो उस कह रहा है कि चलो इन्हें जल्दी मार देते हैं, तो मतलब जीना सीखें, इफ़ यू हैव मेंटल हेल्थ, मेंटल रीजन से ही स्ट्रेस वरी ये सबसे कैंसर हो रहा है, ऑफकोर्स खाने वाने की चीज़ों पर भी आप ध्यान दें, पर प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव में रखें और पॉजिटिव मेंटेन करें, क्योंकि दुनिया में बहुत चीजें हैं, कैंसर एक चीज है जो कि मतलब हम लोग झेल सकते हैं अगर बस इकट्ठे रहें तो। मैम लॉस एंजल्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन क्या इंडियन पेशेंट्स से कुछ अलग होती है, या आपको लगता है कि ऐसी डिसीज के बाद ऑलमोस्ट सेम होते हैं? तो फाइनेंशियली और मतलब हेल्थ केयर के तो मतलब डेफिनेटली आपको पता ही है कि बहुत डिफरेंट रहते हैं, मतलब जो हेल्थ केयर वहाँ मिलता है और बच्चों को सपोर्ट मिलता है वो बहुत ही अलग दायरे में है, और आई विश कि इंडिया में भी वो सपोर्ट रहे, बिकॉज इंडिया का जो सिस्टम है, जैसे हम कुछ हॉस्पिटल्स में गए जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ उनकी हाइजीन कंडीशंस वगैरह में बहुत फ़र्क है, मैं आई रियली प्लीड कि गवर्नमेंट देखे कि हाइजीन और हेल्थ की एक हाथ यू नो दैट टुगेदर दे गो हैंड इन हैंड, तो टू मेंटेन एटलीस्ट हाइजीन स्टैंडर्ड्स ताकि बच्चा दोबारा बीमार ना हो, वो एक बीमारी से आए उसको दूसरी बीमारी हो जाए, ये तो ना हो। आपकी लाइफ में कभी ऐसे कुछ पेशेंट्स आए जो आफ्टर कैंसर ठीक होकर वापस गए? बहुत सारे आए हमारी लाइफ में, तो तीन चार दिन से इतने सारे आए बहुत सारे आए, इनफैक्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड को कैंसर है अभी और वो आईसीयू में है, तो बहुत हार्ड है मेरे लिए कि वो वहाँ आईसीयू में है, बोलती कि मेरे मरने से पहले आ जा, लेकिन मैं यही याद करती हूँ कि उसने मुझे कितनी हिम्मत दी, और मतलब हर बार जब मैं उसे मिलने जाती थी तो मेरे जो रेगुलर फ्रेंड्स थे जिनको डिप्रेशन था, उनका ब्रेकअप है, ये सब छोटी बातों में हम उलझे रहते हैं, और वो मुझे सिखाती थी कि वो बस जाओ उसके पास, म्यूज़िक पॉजिटिव चीज़ें बोलती थी, तो मुझे उसके पास जाने का ज़्यादा मन करता था। तो यही है कि कैंसर में जितना आप नॉर्मल बिहेवियर रखें ना अपने फ्रेंड के साथ जिसको कैंसर है, उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। मैम दोनों कंट्रीज के कोलैबोरेशन में बेनिफिट किसको ज़्यादा होने वाला है? बेनिफिट जो सर्व करता है ना उसको हमेशा जिसको वो सर्व कर रहा है उससे ज़्यादा होता है, तो जब आप सर्व करना शुरू करते हैं ना तो आपको पता चलेगा कि यू रियली सर्व योर सेल्फ, बिकॉज हम लोग पैदा ही इसलिए होते हैं, बस फालतू कामों में घुस जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि लोग बीमारी से नहीं बीमारी के डर से मर जाते हैं, मैम आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? 100% बिकॉज वो जैसे हम बोल रहे थे कि कैंसर की बीमारी होती ही है, कि हम लोग स्ट्रेस लेवल की लाइफ में जी रहे हैं, बच्चे को भी प्रेशराइज करते हैं, अब बच्चों में भी शुरू हो गया है क्योंकि वो स्ट्रेस से वो बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो जिस कंडीशन में पैदा हो रहा है माँ काम कर रही है, तो ये सब की वजह से ही हो रहा है, तो आई रियली फील कि एज अ कम्युनिटी जितना हम हैप्पी रहें जितना हम लाइट रहें, मुझे पता है कि बहुत मुसीबतें आती हैं, मैंने भी झेली है, आई वॉज होमलेस फॉर अ बिट, तो मतलब ये नहीं है कि सब कंफर्टेबल लाइफ से ही खुश रह सकते हैं, खुशी हमारे अंदर है, बाहर के एनवायरनमेंट का इसमें कोई असर नहीं। मतलब जो पेशेंट ज़्यादा खुश रहते हैं अपने आप में इंडल्ज रहते हैं तो उनके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बजाय कि उनके जो मेडिसिन प्रॉपर टाइमली लेते हैं, मतलब कि कैंसर ही नहीं जिंदगी में ही हमारे चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर हम खुश रहें, ये नहीं है कि सिर्फ कैंसर पेशेंट ही खुश रहे उनके चांसेस ज़्यादा है, लेकिन कोई भी हेल्थ कंडीशन हो लाइफ की कंडीशन हो उसमें आप खुश रहें, और ये सब जो इतना वर्ल्ड हमारे ऊपर फेंकता है उसमें ना घुसे रहें, तो एकदम लाइफ सिंपल है और एकदम चल जाती है। मैम एक लास्ट एक मैसेज दे दीजिए आप। देखो अगर मैं रस्ते से उठ के भी ये कर सकती हूँ तो आप लोग जो घर बैठे हैं
वो अपने कम्युनिटी में किसी का हाथ पकड़ ले, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये एनजीओ जो है 5-6 लोगों की सोच है सिर्फ, और 5-6 अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये एक्स्ट्रा करते हैं हर साल। तो प्लीज़ कुछ भी अपनी कम्युनिटी के कर सके, हमारे साथ ना जुड़ सके लेकिन अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं, आपकी लाइफ बेटर होगी, सिर्फ उनकी नहीं। थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे बात कर, चाहे लगाना नहीं। सो गाइस, अब हमारे साथ हैं को फाउंडर कैन किड्स ऑर्गेनाइजेशन की, हेलो मैम। हाय, मॉर्निंग। और साथ उनकी डॉटर भी हैं। हाय, तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। आई एम सोनल शर्मा, एज यू सेड को फाउंडर ऑफ कैन किड्स, किड्स कैन। जी, आई एम शुभांगी एंड आई एम एस्पायरिंग टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। ओके, नाइस मैम। आपके ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न, आप क्या कहना चाहेंगी कि आपका एक तरह से रूही मैम से मिलना कैसे हुआ? सो उससे पहले आई वुड जस्ट गो बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन जॉइन हैंड्स विद रूही। सो एज यू नो, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बीन फाउंड बाय पूनम एंड मी। सो आई बीन वर्किंग फॉर द कॉज फॉर लास्ट 19 years। ऑर्गेनाइजेशन इज 15 years old एंड आई बीन वर्किंग फॉर 19 years। This girl, a young lady sitting next to me, is my inspiration. So she was 2.5 years old when she had cancer. And she inspired me to do what I am doing. So at the most difficult time of my life, I could not find one mother to talk to hold hand and to say that journey is difficult but not impossible. So me and my husband, on the very last day when she was getting her last chemo injection, we decided that why not we become one and stay here in All India Institute of Medical Sciences and hold hand of each and every parent who's fighting with cancer. And there I met Poonam Bagai, who is a cancer survivor, dear friend, founder, mentor, guide to me, and the journey with childhood cancer started. So my first aim was to make sure that we have parents who have fought cancer with their own children and are ready to hold hand. Wo tayar hain kisi aise ek aur parent ka haath pakad ke kehne ke liye ki is mushkil ghadi mein main aapke saath hoon. To aaj main bahut proudly bol sakti hoon ki humne parent support group members, jahan maine ek se shuru kiya tha, aaj pan India we have more than 1000 parent support, 1500 parent support group members, and they are my heart of the organization because they are doing my signature program Yana, You're Not Alone. And in this journey, they are making sure that they're holding hand of each and every parent whose child is fighting with cancer. Ma'am, अपने बच्चे को जब ऐसी disease होती है, उसमें parents ऐसे situation में negative होते हैं या positive होते हैं? Obviously, the first thing is your whole world comes down. You feel somebody has thrown a bomb on you. You feel this is the end of life. Because for a mother, I think what Poonam was also saying, continuing with that, for a mother, the most difficult thing in life is to see the child suffer. You can see your own self suffering, but you can't see your child suffer, you know. That's the most difficult bit in life. But that is where the challenge is, because I keep telling the parents, you have to take care of the child because everything is happening with the child. The child is going through medicine, the child is going through injection, the child is walking through the difficult journey. You just have to hold hand and say you're there. Poonam ma'am ke sath journey kaisi rahi? As I told you that Poonam is my friend, advisor, guide, philosopher, and she and I have built Can Kids. And we have taken this mission that no child will be turned out of hospital for want of treatment, care or financial help. So the parents and the children are the backbone of the organization. And this is what is the core program, Yana, the signature program. Ma'am, cancer survivors ko kya message dena chahengi aap? Cancer survivor yahan pe ek baithi hai, and the work that is close to my heart is continuity of care. This is what CanKid is doing after curative treatment. So we are teaching our children not to be scared of the word stigma, scared of the word cancer. They don't have to be scared of stigma. They don't have to say to anybody, or anybody should not do favor to them, because it's their right and not their privilege. It's the right and not the privilege. And secondly, I always tell them, now you are responsible for your own health. Mummy Papa has taken care of you when you were little babies. Now you should be responsible. You should know what are do's and don'ts. What should you do? What should you not do? So again, the clinic that is close to me is Passport to Life Survivor Clinic. So here we are calling the survivors and we asking the survivors to take care of their own health. They are becoming responsible for their own health. We give them passport to life,
Passport to Life is a booklet, and we get them on a portal where they can write for their own self. So they're not scared of the word. They're learning to deal with it. They're learning to deal everything that is around or surrounded with cancer. So I can proudly say that our survivors are doing research. They are fighting for the children who are newly diagnosed with cancer. And that's the proud moment for me as a mother, as a friend, as a guide, and as the founder member of CanKids. Thank you so much. दोस्तों आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं CanKids एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर पूनम मैम से. हेलो मैम. हाय. कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया. आप? बहुत अच्छे. और आपकी डॉल कैसी है? ये मेरी डॉल है. ये भी ठीक है आज. इसके बाल भी वापस आ गए. पर आपको मालूम है इसको कैंसर हुआ था. और जब इसको कैंसर हुआ था तो इसके बाल सब झड़ गए थे. जैसे कि जो बुरा फील हो रहा होगा. हाँ, जैसे कि बच्चे होते हैं जब उनको कैंसर होता है, उनको कीमोथेरेपी लगती है, उसकी वजह से उनके बाल झड़ जाते हैं. तो हमने अपनी डॉल का नाम ही टकली लग दिया. और हमने बच्चों को बोला कि कैंसर के बाद आपके बाल वापस आ जाएंगे. ऐसे तो इसको टकली कहकर लोग चिढ़ाते हैं, इससे बुरा नहीं लगता? नहीं, इसीलिए हमने बच्चों को ये बोला कि आप इसका एक अच्छा सा और नाम रख दो. क्योंकि हम स्टिग्मा पे काम करना ज़रूरी है. हमारे देश में लोग कई अजीब सी धारणाएं रखते हैं ना कैंसर को लेके. तो लोग सोचते हैं कि कैंसर मीन्स डेथ. लोग सोचते हैं तुम्हारी किसी वजह से हो गया, या ये सोचते हैं कि माँ बाप की किसी गलती की वजह से हो गया. तो स्टिग्मा को फाइट करना बहुत ज़रूरी है. और कभी कभी हमें लगता है कि स्टिग्मा को फाइट करने के लिए उस पर थोड़ा थोड़ा हंसना चाहिए. राइट. तो हमने बोला चलो नाम ही टकलू टकली रख लेते हैं अपनी गुड़िया की, ताकि फील नहीं होगा. नॉर्मली हम इसको सुनते रहेंगे. हाँ, एग्जैक्टली. तो हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई उनको अब बोलता है कि अच्छा तुम टकलू हो गए, तो बोले हाँ कोई बात नहीं, बाल वापस आ जाएंगे. मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल रेज करना जरूरी होता है आपको लगता है, या आप, मतलब कोई और पर्पस है? नहीं, स्टिग्मा को फाइट करना और कॉन्फिडेंस बच्चों को बढ़ाना है कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके इलाज की वजह से हो सकता है आपके बाल झड़ गए, इलाज की वजह से हो सकता है कि आपकी बहुत तबीयत खराब हो या आपके स्किन डार्क हो गई, पर ये सब टेम्प्रेरी है और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे. पर उस दौरान कोई आपको कुछ बोलेगा, आपको परेशान करेगा, तो आप अपनी हिम्मत बिल्कुल बना के रखना. ब्रेन में CanKids नाम कैसे आया आपको? किसी ने सजेस्ट किया या आपको लगा कि कहाँ से आया? मतलब आप मुझे डिस्क्राइब कीजिए. तो मैं 38 साल की थी जब मुझे कैंसर हुआ था. मेरे बच्चे थे 7 और 3 साल के. मैं उस टाइम एक्स इंडिया लीव पे वॉर्सो में रहती थी. और मैं कैंसर के साथ साथ डिप्रेस भी हो गई. तो उस डिप्रेशन के दौरान मुझे ये लगता रहता था कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं मर गई. और मैं सारे टाइम सोचती रहती थी कि मैं मर जाऊँगी. फिर मैंने गॉड से बहुत प्रे किया कि आप मेरे ना बच्चों के लिए मुझे प्लीज़ लाइफ दे दो. और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इंडिया वापस जाके भारत में जितने बच्चे हैं जिनको कैंसर है, मैं उनकी हेल्प करूँगी, उनके परिवारों को हेल्प करूँगी. तो जब हम वापस आए, फिर हमने सोचा कि अच्छा अब इस संस्था का एक संस्था बनानी चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए. तो सोचते सोचते मेरा बेटा थोड़ा और बड़े थे, दोनों बेटे मेरे हस्बैंड थे, हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि नाम क्या होना चाहिए. फिर हमने सोचा अच्छा अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि एक बिलीफ हो कि कैंसर का बच्चों का इलाज हो जाए, तो हम CanKids रखते हैं. और फिर हम ये भी चाहते हैं कि लोग इसके साथ जुड़ें और उनको हेल्प करें. तो एक तो उस बच्चे को बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ. तो CanKids के साथ हमने किड्स कैन जोड़ा, क्योंकि वो बच्चे को बिलीव होना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं कर सकता हूँ. और बच्चे, उसके मित्र और यंग पीपल हमारे कॉज से जुड़े रहें. इसलिए यही सोच रही थी कि किड्स कैन, मतलब इस टाइप से नाम होना चाहिए, लेकिन CanKids क्यों किया गया? हाँ, तो कैंसर के बच्चों के लिए CanKids, क्योंकि किड्स कैन गेट वेल फ्रॉम कैंसर. वी हेल्प करो मैम. कैंसर कहते हैं दोबारा होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ऐसा कोई ऐसे केसेस आए आपके सामने? हाँ बिल्कुल, कैंसर वापस भी आ सकता है. इनफैक्ट हम ये मानते हैं जब अडल्ट कैंसर है तो आपको 5 ईयर्स तक पूरी तरह से प्रॉपर अपना चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम तक आपका कैंसर ज़्यादा जल्दी वापस आ सकता है. 5 ईयर्स के बाद जो मेरे को चांस है कैंसर होने का, वो आपको भी है. मतलब इक्वल चांसेस हैं कि किसी को कैंसर हो जाए.
बच्चों के कैंसर में ये थोड़ा और लंबा पीरियड है। बच्चों के कैंसर में आज की तारीख में हमें ये मालूम है कि वो 15 साल मिनिमम उसका फॉलो अप करना ज़रूरी है कि कैंसर दोबारा से लौट के नहीं आए, और वो लौट के आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अपना पूरी तरह से ध्यान रखना, अपने चेकअप्स बाकायदा करना बहुत ज़रूरी है। और वो किड्स कैन कनेक्ट में हम अपने बच्चों को ये सिखाते रहते हैं, आपको ज़िंदगी मिली है जी, है ना, इसलिए जब आपको ज़िंदगी मिली है तो ये बात मैंने भी सीखी थी, बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द लाइफ दैट ही इज़ गिवन यू, लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड लुक आफ्टर लॉट्स ऑफ अदर पीपल। पेशेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पॉजिटिव करते हैं आप लोग, तो किस टाइप के पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड नज़र आए आज तक? कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे नहीं समझ में आता कि कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है। हाँ ये ज़रूर है कि सारा ही कैंसर बहुत पीड़ित है, कैंसर की बीमारी मुश्किल है, उसका इलाज मुश्किल है, उसके दौरान एक पूरे परिवार को कितनी समस्याएं आती हैं वो भी मुश्किल है। मैं आज एक माँ हूँ, मुझे आज तक इतने 15 सालों से ये काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कि अगर मेरे बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो उससे वर्स्ट चीज़ एक पेरेंट के लिए नहीं हो सकती है। तो अगर लेकिन उस कॉम्प्लिकेशंस में कोई सहयोग देने वाला हो, कोई हाथ थामने वाला हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई रहे आपके साथ, तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाती हैं और आपकी पॉजिटिविटी वो बढ़ जाती है। और जितना हम पॉजिटिव रह सकें उतना हम कोई भी समस्या का सामना कर पाएंगे। पर कैंसर और उसके इलाज में अगर लोग साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, हर केस कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नॉलेज भी मिली मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, अब हम कैन किड्स के COO मिस्टर हर्ष कुमार से मीटिंग कर रहे हैं छोटा सा। तो हेलो सर। हेलो, बताइए अपने जॉब के रिगार्डिंग। मैं कैन किड्स में ऑपरेशंस देखता हूं और फाइनेंस देखता हूं। ओके, ऑपरेशंस देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं। जी, फाइनेंस मतलब पैसा कहां से आएगा, कौन हमारे देने वाले हैं, कहाँ खर्चा होगा, कैसे होगा, उसका पूरा हिसाब रखना, बैलेंस शीट एक्सेट्रा सब वो बनवाना, उसका ऑडिट वगैरह करा कराने का काम। ऑपरेशन मतलब जो भी काम हो रहा है फील्ड में उस सबको कोऑर्डिनेट करके ठीक से मैनेज करना, दो काम है। जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं इससे रिगार्डिंग भी उन्हें कैसे डील करना है, किसके किससे मीटिंग करवानी है, ये सब चीज़ें आपका काम है। देखिए हमारे पूरी एक फोर्स है, हमारे पास 300 करीब लोग हैं जो पेड वर्कर्स हमारे हैं, वो हॉस्पिटल में कहीं कहीं हॉस्पिटल 10-12 लोगों की यूनिट होती है, वो एक वेल निट तरीके से काम करते हैं। किसका काम क्या है, सोशल वर्कर करेगा, पेशेंट नेविगेटर करेगा, डाइटिशियन रहेगा, साइकोलॉजिस्ट रहेगा, वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो उन सब के काम का कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन का काम होता है। ओके, आपके अंडर कितने लोग हैं, मतलब आपकी टीम में? मेरी टीम में, हम लोगों की टीम सब बेसिकली छोटी होती है, हम जितने भी हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनको साथ में लेके काम करते हैं। अच्छा, तो लगभग कितने लोगों की हो जाती है ओवरऑल, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें? हाँ, तो कितने लोग, कितने मेंबर्स हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 300 आदमी हैं जिनको हम मंथ में तनख्वाह देते हैं, और करीब 1800 लोग हमारे टोटल ग्रुप में हैं, वॉलंटियर्स हैं, कुछ कंसल्टेंट हैं, कुछ एडवाइजर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, सब लोग मिला के 1800 लोग हम लोग काम करते हैं। 1800 लोग हैं। हाँ जी, 300 लोगों की सैलरी का इंतजाम कहाँ से होता है? देखिए कुछ डोनर्स होते हैं जो हमको किसी प्रोजेक्ट या वैसे पैसा देते हैं, उनसे पैसा आता है, कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपने CSR में पैसा देते हैं, कुछ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं वो पैसा देते हैं, और कुछ हमारी बात हम जब किसको पहुंचाना चाहते हैं ठीक से पहुंचती है तो वो लोग हमको पैसा देते हैं। ओके, तो उस पैसे को पूरा मैनेज आप करते हैं? हमारी पूरी टीम है, हमारी सभी लोग, हमारे अकाउंट्स में 10 लोग हम लोग बैठते हैं, उसको मैनेज करते हैं। बिल्कुल, किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे के लिए या किस कैंसर पेशेंट के लिए मैक्सिमम फंड्स यूज होने चाहिए या किस? हमारा एक मेडिकल बोर्ड है जी, उसमें हमारे डॉक्टर सलाहकार हैं, और उसकी हमारी मीटिंग, हमारे जो 4 जोन हैं हर एक जोन के सोशल वर्कर्स की मीटिंग होती है। एक हमारे पास नीचे एक और रूम है जिसमें सब लोग एक साथ बैठते हैं, बताते हैं ये बच्चा है, इसको ये तकलीफ है, इतने पैसे डॉक्टर ने बोले हैं, इस अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, सारा केस आता है और डॉक्टर हमारा उसको रिव्यू करता है। इसके बाद 2 बोर्ड मेंबर वहाँ बैठते हैं कि ठीक है, हाँ इसको हम सपोर्ट करेंगे, और उसको सपोर्ट करते हैं। लैक ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़ी? देखिए लैक ऑफ फंड्स तो हमेशा, जब भी एक्चुअली काम इस तरह का, जितना भी पैसा आएगा वो लग जाएगा, ठीक है।
तो कई बार ऐसा होता है मिसमैच हो जाता है, खर्चा आज करना है पैसा परसों आएगा, तो इस तरह से हमको तकलीफें रहती हैं। लेकिन हाँ, सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? अब फाइनेंस के तरीके हैं, कभी आप लोन रेज कर लेते हैं, कभी आप किसी डोनर से मिल जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई एक आदमी या कोई हमको एक डोनर अचानक आ जाता है, वो कहता है भाई मैं आ गया, इस तरह कभी काम हमारा रुका नहीं है, लेकिन हाँ तकलीफें वन से निभाई रहती हैं। आपकी क्या इमोशंस है इस टाइप के काम को करते हुए, इतने साल से आप इस काम में लगे हुए हैं, क्या क्या भावना है, अंदर से कैसा फील आता है? कभी ऐसा आता है कि हाँ अपनी सैलरी को भी यार एक बार डोनेट करके देखता हूँ? मैं सैलरी नहीं लेता हूँ। क्या बात है। ठीक है, मैं रिटायर्ड सरकार से आदमी हूँ, तो पेंशन आ जाती है, काम निकल जाता है हमारा। मैं यहाँ पे अपने बिल्कुल वॉलंटियर हूँ। और देखिए क्या होता है, आप जब जुड़ते हैं ना तो बड़ी बड़ी आप चीज़ देखते हैं, एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है आपको। मैं बताता हूँ आपको, भी हमारे यहाँ एक पैलिएटिव केयर में एक बच्ची आई थी, जामिया की थी, 11 साल की बच्ची, उसकी माँ नहीं थी, और उसने 4 बजे के करीब बोला कि मेरे को एक स्कूल का बस्ता चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को इसको टीचर पूछी तो क्या जवाब दूंगी उसका मैं। वो कैंसर पेशेंट थी। बिल्कुल, वो लास्ट स्टेज की कैंसर पेशेंट थी। तो हमारे जो लोगों ने एक वहाँ पे रितु भल्ला है, उन्होंने स्कूटर उठाया, भारत बंद था उस दिन, खोज के एक बैग ले आई वो कहीं से सूटकेस की दुकान से, जो स्कूल बैग से लगता था, उसमें उसको भर के दे दिया, सब किताबें रख के। लड़की बड़ी खुश, 6 बजे बैठ के उसने कुछ होमवर्क किया, सुबह 5:30 बजे उसकी डेथ हो गई। तो आपको लगता है कि देखिए ये बच्चे को इतनी समझ थी कि मैं बचूंगी तो मुझे पढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब कैसा कैसा फील, मतलब कैसी चीज़ें आप एकदम आप हिल जाते हो। बिल्कुल, कैसे महसूस होता होगा अपने सामने देखते हैं आप कुछ टाइम पहले के इंसान को जिंदा देखते हैं, फिर उसकी डेथ हो जाती है, आपके सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे। हिल जाते हैं एब्सोल्युटली, लेकिन ठीक है, आपको बाकी बच्चों में ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उनको आपको लेके चलना है। लेकिन हमारी संस्था से जो बच्चे जुड़ते हैं, मैं अभी हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन लॉन्जिविटी उनकी ज़्यादा होती है, हमारे बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा क्या आप लोग उन्हें पॉजिटिव करते रहते हैं या डिसीज़ बेटर, वो क्या बोलते हैं, मेडिसिन वगैरह इतनी बेटर प्रोवाइड करते हैं? देखिए हम मेडिकल लास्ट हॉस्पिटल में होता है उसका, सपोर्ट ग्रुप पूरा है हमारा, टाइमली सपोर्ट है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है, फिर हमारा KCK का एक ग्रुप है जो पुराने सर्वाइवर्स हैं वो उनसे बात करते हैं, पेरेंट्स का ग्रुप है उनको, पेरेंट्स को काउंसिल करता है वो, तो सबको साथ में लेके चलते हैं, यू आर नॉट एलोन, याना की फैमिली, उससे तो उससे एक मनोबल सबका बढ़ता है जी। और चूंकि हम बेस्ट ट्रीटमेंट दिला रहे हैं, हमारा सबसे टाइप है, तो बच्चा को राइट ट्रीटमेंट मिलता है, राइट एडवाइस मिलती है, और वो मेरा मानना है, मतलब मेरा देखना ये है कि हमको बच्चे ज़्यादा ठीक होते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे लगता है एक जुनून से भर गए हैं हम लोग भी, और हम लोग ये मैसेज बहुत लोगों को पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चेन बनाना एक जंग से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।